नमस्कार, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, अगर आप बिहार के किसान हैं तो आज का कृषि पिटारा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, राज्य सरकार के एक फैसले के अनुसार बिहार के किसानों को अब धान बेचने के लिए LPC यानी भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ साथ रसीद भी जरूरी नहीं है। अब आप केवल जमीन का विवरण जैसे कि खेत का रकबा और खाता खेसरा आदि साइट पर डालकर धान बेचने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास रसीद या LPC है तो दे दीजिए, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने धान की बिक्री के लिए LPC या रसीद प्रस्तुत करने को पूरी तरह से आपकी मर्जी पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि धान की बिक्री के लिए गैर रैयतों को भी वेबसाइट पर शपथ पत्र डालने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस दौरान आपको एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, वो ये कि अगर आपने अपनी ओर से कोई भी गलत जानकारी दी तो आप जांच के दायरे में भी फंस सकते हैं। किसान मित्रों, इस नई व्यवस्था में किसानों को ऑनलाइन आवेदन में अपने खेत का रकबा और खाता खेसरा नंबर डालना होगा। इसी के साथ सरकार ने गैर रैयत किसानों को भी काफी सहूलियत दी है। उन्हें अब इसका शपथ पत्र देने की कोई जरूरत नहीं है कि वह किसकी जमीन के कितने रकबे में खेती कर रहे हैं। बस धान बेचते समय क्रय केंद्र पर ही रकबे की जानकारी सादे कागज पर खुद के हस्ताक्षर से एजेंसी को दे देनी होगी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि LPC की बाध्यता खत्म होने के बाद रसीद को लेकर समस्या होने लगी थी। आज भी काफी किसानों की जमीन उनके पूर्वजों के नाम पर है। ऐसे में जिसके नाम पर रसीद है वह अब जिंदा नहीं है, तो उनके वंशज से धान खरीद का प्रावधान ही नहीं है। पहले रसीद देखकर किसान की पारिवारिक सूची के आधार पर LPC बन जाता था। इसी परेशानी को देखते हुए सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि किसान खुद अपना डिक्लेरेशन साइट पर देंगे कि उन्होंने अमुक खेसरा नंबर के इतने रकबे में खेती की है। उसी के आधार पर एजेंसियां उनका धान खरीद सकेंगी। किसान मित्रों, कार्यक्रम के अंत में इस विषय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते चलें। संभव है कि सरकार की इस नई व्यवस्था का कुछ दुरुपयोग भी हो, लेकिन किसानों को इससे बड़ी राहत भी मिलेगी। दुरुपयोग रोकने के लिए ही सरकार ने जांच की व्यवस्था की है, इसलिए बेहतर होगा कि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आप हमेशा अपना सही विवरण दें। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।